सब अब गुण में Oh.
Oh,
Oh.
सत्संग जी सज्जन गुरमुख माई पाई साहब दो जहान के मालिक इष्ट गुरुदेव धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी पावन दरबार दिया सचखंड दरबार हजूरी शामा के दीवान दिया पवित्र कोमल चरण कबलों दिया हाजर में भर रहे हो पवित्र बाणी अरबी बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे हो जो गुरसिख नूं यह भक्ति यह दात यह सिमरन इबादत है कीर्तन राही गुरबाणी के कीर्तन दे राही तू वाहगुरु अकाल पुरख परदगार की भक्ति करनी है इसनों निर्मोल भक्ति इसनों सच्ची ते सुची भक्ति परमात्मा के मिलन का एक साधन भी आख्या है जो असी नित्ता प्रति अपने गुरु की गोद बह के वाहगुरु अकाल पुरख की उस्तत करते हैं गुरु नानक पातशाह की अपनी सारी बाणी च उस वाहगुरु की उस्तत सिर्फ सलाह की है पर जिन्होंने ये पागों च है उन्होंने ये दात मिलती हर एक नहीं मिलती हूँ बाबा जी बाणी कहते बिन पागां सत्संग न लभै बिन संगत मैल भरी जाए तो बाबा जी कहते ये सिर्फ सलाह का जिसन बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाह ही पातशाह कीर्तन करना वाहगुरु की सिफत है वाहगुरु की उपमा वाहगुरु की वडियाई उस परमात्मा अकाल पुरख की सिफत सलाह जुड़ बैठे हो नेता प्रति रोज नामचा जो आते हो तनता जो जिम्मे जिंदगी असं दूजे कर्म करने काम जाना किरत जाना धंधे पर जाना अमृत उठने चाह पानी पीने दोपहर में रोटी खाने शाम चाह पानी पीने फिर रात को भोजन इत्यादि साढ़ी जिंदगी के कर्म बने हुए साढ़ी जिंदगी के नियम बने हुए पर इस नियम के रोज नामचा के इस नेता प्रति कर्म के अगर रोज नामचा गुरु के चरण हो जिंदगी सफल है तो जिंदगी पवित्र है तो जिंदगी लेखे च है मंजूर हो गए बाबा जी कहते ए बंदे ए इंसान आ तेरिया घड़िया पवित्र है आ तेरा समय पवित्र है आ तेरा समा जरा गुरु के संघ गुरु के द्वार गुरु की हाजूरी में है सत्संग है ये तेरा मंजूर है ये तेरा प्रमाण है कुछ खराब के सामने पेट कर रहे अज वैसे भी बड़ा पवित्र दिन है महान दिन है गुरसिखी च यह दिवाली का त्यौहार जोड़ा है और किसी संबंध च नहीं मनाया जाता जिमें कि हिंदू लोग हिंदू त्यौहार मनाते हैं पर गुरसिखी च यदा सिर्फ गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के नाल संबंध गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वक्त ग्वालियर के किले च कैद सन तो जदों उन्होंने रिहा किया गया 52 राजियों की बंद खिलाफ की जदों तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का ना ही बंदी छोड़ दाता पै गया बंदी छोड़ उन्हें 52 राजियों की बंद खिलाफ की जो जहांगीर की जेल च सड़ रहे सन जिन्हों का कोई वाली वारस नहीं सी जिन्हों की कोई पुछ प्रतीत नहीं सी होती उन्होंने गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस सड़ती हुई जेल चो कढ़िया तो जदों निकलन लगे तो उन्होंने राजियों की भी बंद खिलाफ की उन्होंने राजियों भी छुड़ाया क्योंकि ग्वालियर के किले में जो गुरु हरगोबिंद पातशाह बंद सन उस वक्त गुरु का प्यारा सिख गुरु की उस्तत सिफ सलाह इतना करनी का प्रधान इतना करनी का सूरा इतना शक्तिमान सिख भाई जेठा जिस भाई जेठे ने जहांगीर का तख्त ला दिता पहले तो जहांगीर के को जोशी बन के गया सूर्य प्रकाश बचन आता है जहांगीर यह गल समझाने वास्ते कि जहांगीर गुरु हरगोबिंद पातशाह किले में बंद करके सौ रहे ये चाल सारी चंदू की सी कि गुरु हरगोबिंद पातशाह किले में बंद करवा देंगा वो जो दरोगा किले में लगा हुआ है वह मेरा वाकफ है वह मेरा मित्र है वह मेरा सजन है तो उन्होंने कह के गुरु हरगोबिंद पातशाह खत्म करवा दिया गुरु हरगोबिंद पातशाह मार दिया पर जिदे उत्ते परमात्मा का हाथ हो जो आप लोगों के जीवन का बेड़ा बने पार करने वास्ते आए होना कौन मार सकता उन्होंने कोई अंग भी नहीं बिंगा कर सकता उन्होंने कोई वाल भी नहीं कोई बिंगा कर सकता मेरा सतगुर रखवाला हुआ तार कृपा प्रभात से राख्या हर गोबिंद नवा नरो विच करता पुरख खलोवा वाल न बिंगा हो
जिस वक्त चंदू जी ये चाल ना चली, क्योंकि गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जाके ग्वालियर के किले विच ऐसा सत्संग का झरना शुरू करता, ऐसा सत्संग की झड़ी लाई, वो जितने राजे कैद सन वह गुरु हरगोबिंद पातशाह के कदमों चा, वो गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरणों च रोज नाम चाहे सत्संग जरूर ला, तो गुरु हरगोबिंद पातशाह उन्होंने राजिया के नाल प्यार कर लग पे, जेडे राजिया कैद कोठड़ी च काल कोठड़ी च भयानक जेल सुटिया हो जिन्हों की कोई सूह नहीं सी लै सकता, वह राजे गुरु हरगोबिंद पातशाह का रोज बहन लग पे। पर जदों भाई जेठे ने जहंगीर डराया धमकाया शेर बन के ओरी छाती से जाके बह जाना, शक्ति वाला है जे गुरु, शक्ति वाला है तो पूर्ण सिख भी शक्ति वाला है। जे गुरु अपनी शक्ति नाल ताकत नाल रेखा मिटा सकता है तो जे पूर्ण गुरसिख है वह भी रेखा बदल देंगे, जे नाम जपन वाला हो गए बंदगी करने वाला हो गए एवें ना हो। भाई जेठे ने जहंगीर डराया तो जहंगीर होश च लिया, जदों जहंगीर सुरत आई तो भाई जेठे ने आख्या जहंगीर गुरु हरगोबिंद पातशाह ग्वालियर के किले च बंद करके तो 40 दिनों का बचन करके कई महीने हो गए उन्हां दी खबर नहीं ली, इस करके तेरे ते साड़ सती आई, साड़ सती होर किसी ते नहीं आई सिर्फ तेरे ते आई। जहंगीर ने गुरु हरगोबिंद पातशाह हुक्मनामा भेजिया कि उन्होंने बाइज्जत किले चो बरी किया जाए। पर जब गुरु हरगोबिंद पातशाह किले चो बाहर निकल लगे उन्होंने 52 राजे ने गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरण पकड़ ले, खड़गे तुम की चाहते हो, आखण गए महाराज सानू इस किले चो नहीं कोई कट सकता, जे तुम गुरु नानक की गद्दी के मालिक हो, गरीबों से दुखियों से दीनों से अनाथों से परोपकार करना आए हो तो साढ़े ते भी परोपकार करो, साढ़े ते भी मेहर करो, साढ़े ते भी बख्शिश करो, की चाहते हो इस किले चो छुटकारा देना, इस किले चो साड़ी भी बंद खलास करो। गुरु हरगोबिंद पातशाह आखणगे द्रोगे दे राही ते असी इस किले चो नहीं निकलना, आखणगे क्यों नहीं निकलना, असी किले चो तां निकलांगे जदों नाल ये साडे जो कैद होए हुए 52 राजे इन्हां नूं भी छड्डिया जाए। तां जहंगीर ने आखिया मैं एक तरीके नाल इन्हां राजिआं नूं छड्ड सकना, वो किहड़ा तरीका है गुरु हरगोबिंद पातशाह, जिहड़ा तुहाडा कुर्ता जिहड़ा तुहाडा चोगा पकड़ के बाहर आ जाएंगे मैं उन्हां नूं छड्ड देंगा बाकी नहीं छड्डांगा। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने ऐसी कृपा की, ऐसी सोच व्यौंत बनाई कि एक चोगा सवाया 50 कलियां वाला जिन्हों 50 तनिया सन कि जिहड़ा जिहड़ा वह तनी पकड़ेगा वह बाहर आ जाएगा, वह चोगा तैयार करके गुरु हरगोबिंद पातशाह के जो कदमों आया तो गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस चोगे को पहनिया तो उस बंदी छोड़ दाते ने की कीता उन्हां 52 राजियां नूं 50 राजियां नूं ते कलियां पकड़ातियां ते 2 राजियां दियां बाहां पकड़ के सारियां नूं बाहर कर दिता, जिन्हां दी कोई उत्थे पुछ प्रतीत नहीं सी हुंदी, जिन्हां दी उत्थे कोई सोह नहीं सी लै सकदा, जिन्हां दी उत्थे खबर भी कोई पुछण वाला नहीं सी, उन्हां नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जदों बाहर कढ़िया ते उस दिन तों मेरे धन गुरु हरगोबिंद पातशाह दा नाम बंदी छोड़ धन गुरु हरगोबिंद पातशाह पै गया। हुण वी तुसीं जाओ इंडिया दे विच जिहड़ा ग्वालियर किला है बहुत उच्ची थां ते है, उस किले विच पहले तां निक्की जी एक थां बनी हुई सी टीना दी, पर हुण संतां ने महापुरशां ने सेवा करके उत्थे ऐसे निशान बनाए ने ता जिंदगी रहिंदी तक गुरु हरगोबिंद पातशाह दा नाम कायम रहेगा। सोने दे छत्तर सोने दे कलश ए वड्डे वड्डे लंगर हाल अते चंगे बड़े तकड़े सरोवर बना दिते वह गुरु हरगोबिंद पातशाह दा निशान उत्थे हुण कायम है। जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह उस किले विचों कैद छुट के उस किले विचों राजियां दी कैद छुड़ा के अमृतसर पहुंचे, उस दिन दीपावली का दिन सी, उस दिन गुरु हरगोबिंद पातशाह दे अमृतसर पहुंचने विच दीपमाला की गई, सिखी का संबंध दीपमाला विच इतना ही है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जब पहुंचे हरिमंदर च उन्हां दी आमद विच उन्हां दे आउण दे विच दिवाली मनाई गई। तो दिवाली का त्यौहार तो तुहानू पता ही है हरिमंदर च हर साल दी साल मनाया जाता है, पर जदों दा अकाल तख्त ते अटैक हो चुका है उस तो बाद हरिमंदर च यह त्यौहार नहीं मनाया गया, उस खुशी विच उस धूमधाम च नहीं मनाया गया, नहीं तो हमेशा हर साल ऐसी दिवाली सजी सी, ऐसा हरिमंदर नूं अकाल तख्त नूं लाइटां नाल सजाया जांदा सी कि बाहरों दुनिया आके हरिमंदर दा दर्शन करके
तन ते मन नूं ठाड़दी सी, तन ते मन उन्हां दा खुश हुंदा सी। पर गुरु कृपा करन, बख्शिश करन, रहमतां दे घर च आउण, मेहरां दे घर च आउण, उही दिन सानूं फिर प्राप्त होण। उन्हां दिनां च असीं फिर आईए, उवें ही हरिमंदर च दिवाली मनाईए, उवें ही अकाल तख्त ते दवाई मिलाई जावे, जिवें कि संगतां पहले उत्साह ते प्यार च मनाउंदियां सन। समां नहीं कि इस गल नूं विस्तार ते लिजाया जाए। उह जो पंक्तियां पढ़ रहे सां गुरु नानक पातशाह की पवित्र बाणी, वो पढ़ो ते समाप्ति करिए। सब अवगुण है।